कितने परसेंट लोगों को लगता है कि रिलेशनशिप्स में औरतें मर्दों से ज्यादा डिमांडिंग होती है? आइए देखते हैं क्या है लेडीज का एवरेज परसेंटेज। काफी ऑनेस्ट लेडीज है हमारी। जेंटलमैन, हमने थोड़ा शर्म करके डाल दिया, हमने थोड़ा शर्म करके आंसर दिया, घर जाना है ना इसलिए। 60% तो आपको घर जाना है तो आप ही से शुरू करते हैं। भाई ऐसा नहीं है कि सिर्फ पैसों के लिए कोई या फिर ऐसी डिमांड होती है, नहीं, उनकी डिमांड होती है टाइम दो, हमारे साथ रहो। पैसे इज द लीस्ट ऑफ द वरीज। या करेक्ट, राइट? या लीस्ट, इट्स इमोशनल डिमांड, यू नो। अगर आप इमोशनली अनअवेलेबल हो तो मतलब क्या फायदा उस रिलेशनशिप का। एक लड़की आई थिंक पैसा वैसा नहीं चाहती है, बट इमोशनली दे वांट द गाय टू बी अवेलेबल। बिल्कुल। और अगर आप शॉपिंग पे गए हो और आपने दो कपड़े एक्स्ट्रा ले लिए तो तुम गए सरेश, तुमने तीसरे ले लिए और मेरे को ये, तू ले ले भाई, कार्ड ले, तू सब खरीद ले, तेरे को बहुत जूते पड़ने वाले हैं। मेरे को ना मेरे सामने वो आ गई इमेज, एक बड़ा सा जूता लेके युविका पा रही है, तू क्या क्या बोल रहा है प्रिंस। आई थिंक मैं टाइम और अटेंशन बहुत डिमांड करती हूँ। मेरे मैक्सिमम फाइट्स मेरे रिलेशनशिप में तभी हुए हैं जब मुझे टाइम और अटेंशन और इमोशनल अटेंशन नहीं मिलता है, और दैट पर्सन डजंट अंडरस्टैंड मी ओनली। तो मैं ये डिमांड फॉर श्योर करती हूँ और डिमांड 100% करती हूँ। बट वही हो गया ना, जो आपको लग रहा है कि आप ज्यादा टाइम मांग रही है, वो लड़कों को लगता है कि चिपकू हो रही है। नहीं, व्हाट डू यू मीन बाय चिपकू? मतलब लड़कियां बहुत चिपकू होती हैं, सारा टाइम बॉयफ्रेंड्स को फोन करती रहती है। और आपका बॉयफ्रेंड अगर फ्री नहीं है, टाइम नहीं है, तब तो गए ना। फ्री नहीं है मतलब क्या, तू रिलेशनशिप में क्यों? अच्छा, आपको ऐसे क्यों लगता है लड़कियों को कि अगर आप फ्री हो तो उस टाइम हमें भी फ्री होना चाहिए? नहीं 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 नहीं, मैं मिस कॉल भी देखूंगी, मुझे चलेगा। और नहीं, अगर तुम काम पे हो समझ में आता है, बट अगर तुम काम के बाद वो जो टाइम बचा है वो जाके दोस्तों के साथ स्पेंड कर रहे हो तो वो गलत है ना। अरे वहीं पर तो मी टाइम चाहिए होता है। ये मी टाइम मुझे समझ में नहीं आता है। मी टाइम मींस व्हाट? मी टाइम भी चाहिए, काम करना भी चाहिए, सब। या मुझे भी समझ में आता है। 19 साल हो गए, आप भूल चुके हो ये मी टाइम का कॉन्सेप्ट। आई डोंट बिलीव इन मी टाइम, आई बिलीव इन वी टाइम। वेरी नाइस, वेरी गुड रितेश, सो प्राउड ऑफ यू। लिसन, ही इज डूइंग लॉट्स ऑफ ड्रामा। बट यार आई एम सेइंग कि यार, अच्छा अगर काम करने के बाद आपके हिसाब से लड़के को आपके पास ही आना चाहिए? नहीं, पर मुझे ऐसा लगता है अगर पूरा दिन आप काम पे बिजी थे, आप अपनी गर्लफ्रेंड से नहीं मिले, तो अगर आप दोस्तों के पास जा रहे हो तो गर्लफ्रेंड को लेके चले जाओ ना यार, उसको अपना थोड़ा टाइम भी दे दो, दोस्तों को भी दे दो। अच्छा जब आप लड़कियां गॉसिप करती हो, क्या लड़के आते हैं बीच में? क्यों नहीं आते? लड़के बहुत गॉसिप करते हैं। ओह माय गॉड, टू मच, ओनली गॉसिप। ये गॉसिप क्या होता है? नॉट गॉसिप, बिचिंग। हेलो, लेट मी टेल यू वन थिंग, जब लड़कियां बात करती है तो वो गॉसिप माना जाता है, बट जब लड़के बात करते इट्स इंटेलेक्चुअल डिस्कशन। मुझे बताओ, आपको तो 19 साल हो गए, तो डिमांड का क्या सीन है? 19 साल से जानता हूँ मैं इसको, इसने एक चीज शॉपिंग नहीं की है। शी डजंट लाइक शॉपिंग, तो डिमांड उधर ही खत्म हो जाती है। और टाइम की डिमांड? टाइम आई हैव टू बी नंबर 1 इन लाइफ। Correct. Like if I feel number 2, I have a problem. See, that's what, na? That's important. Which is absolutely right. Priority रहेंगे तभी तो time दोगे. तभी यार आप लोग multitasking कर सकते हो, हम लोग नहीं कर सकते. नहीं, तुम लोग बहुत multitasking कर सकते हो. हम सिर्फ जब बहुत सारी लड़कियाँ एक साथ घुमानी होती है वो कर सकते हैं. Exactly, वही multitasking. वही वही वही. हम मत बोलो, मैं बोलो. You are skilled. हाँ तो ठीक है, आप लोग, आपकी शादियाँ हो गई है. चलो आइए देखते हैं, मल्टीटास्कर तो है, मल्टीफैसेटेड भी है, लेकिन अब देखते हैं इंडिया की सोच। इंडिया की सोच है 80%, वी आर क्लोज। 80% इंडिया ये सोचती है कि औरतें मर्दों से ज्यादा डिमांडिंग होती है। हेंस प्रूव्ड ओनली ऑन फ्लिपकार्ट विद यू। वॉच प्ले विन नाउ।